हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नीट 2022 जानिए कब होगी नीट 2022 की परीक्षा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ नीट 2022 की परीक्षा कब होने के चांसेस हैं और किस तरह से होगी, क्या पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। नीट 2022 का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा किया जाएगा और इसकी पूरी संभावना है कि ये एग्ज़ाम आपके जून 2022 में होगा और आवेदन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास जनवरी 2022 में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी एंडिंग तक स्टार्ट हो जाएंगे। नीट 2022 का एग्ज़ाम नीट सिलेबस क्या होता है, तो मेडिकल, वेटनरी, आयुष और नर्सिंग कोर्सेज के लिए इस बार होगा। 2021 का जो है आपके पास नीट का एग्ज़ाम, वो आपके लिए नर्सिंग के लिए नहीं हुआ है। कुछ स्टेट्स ने नर्सिंग के लिए भी उसे मान लिया है, बाकी मैक्सिमम स्टेट्स ने नहीं माना है। नर्सिंग का हर एक स्टेट ने अपना अपना एग्ज़ाम्स करवाया है, क्योंकि इस बार ये फैसला नर्सिंग को भी नीट के थ्रू करवाने का फैसला काफ़ी टाइम बाद लिया गया था, इसलिए कुछ स्टेट्स और स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया। इस वजह से 2021 में नीट के थ्रू नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुए हैं, लेकिन 2022 में श्योर नर्सिंग के एडमिशन भी आपके नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही होंगे और ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाए जाएंगे, जिसकी ऑफिशियल साइट neet.nta.nic.in होगी। ठीक है, इस परीक्षा के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी है वो आपके पास ऑफिशियल साइट के द्वारा बता दी जाती है, लेकिन एलिजिबिलिटी सेम टू सेम वही होती है। कैंडिडेट जो है 12th क्लास पास आउट होना चाहिए या अपेयरिंग भी हो सकता है, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए। नीट 2022 बिना नीट के किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रहे। और इसके अलावा नीट की तैयारी करने से पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर देख लेनी है कि नीट का एग्ज़ाम किस तरह का होता है, पेपर कौन सा आता है, पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपके पास है NCERT प्लस आपको लास्ट ईयर के पेपर्स आपको बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। पेपर किस तरह का रहता है, सवाल वहीं से घूम फिर के फिर से देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट की अगर हम पैटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर 2021 का जो पैटर्न था, सेम टू सेम 2022 में भी वही पैटर्न रहना है। फिजिक्स में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके पास 35 क्वेश्चंस आपके पास कंपलसरी होंगे और 15 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल पूरी फिजिक्स आपके पास 180 मार्क्स की होगी। सेम टू सेम यही सीन आपके केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट का रहेगा, जिसमें आपको 35 कंपलसरी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शनल होंगे, जिसमें आपको केवल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही आपके चेक किए जाएंगे, बाकी के 5 क्वेश्चंस पे कोई गौर नहीं किया जाएगा। नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 720 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट जो एग्ज़ाम डेट है वो NTA की ऑफिशियल साइट पर आ जाएगी। अभी अनुमान है कि जून 2022 में आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा जून मंथ तक। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके जनवरी 2022 से स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जय हिंद दोस्तों, नीट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट होगी, पूरी की पूरी अपडेट आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी नीट 2022 के लिए। जय हिंद।